नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम आयुर्वेदा। यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के नाम बताऊंगा, उससे परिचय कराऊंगा और इस जड़ी बूटी का एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा जिसको करने से आप अपने शरीर की गर्मी को दूर कर सकते हैं। या दोस्तों जिस किसी को भी शरीर में गर्मी बस जाती है, गर्मी बसने के कारण जिनके लीवर में खराबी आ जाती है, लीवर में कमजोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती, खून की कमी हो जाती है, पीलिया रोग हो जाता है, तो ये जो टुकड़ी आप देख रहे हैं ना, ये टुकड़ी हैं गिलोय के। इसे गिलोय, अमृता या गुड़ूच के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। और आप गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आप नीम गिलोय ले आइए, पहली बात तो ताज़ी हरी, जहाँ पर भी नीम में गिलोय चढ़ी हो वहाँ से तोड़ लाइए। और इस अमृता को घर में ला कर के इसके 2 से 3 अंगुल के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। नीम गिलोय सबसे बेस्ट होती है। और इसको छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आपको लेना है एक धागा। धागा दो में से एक होना चाहिए, जैसे कि या तो लाल कलर का धागा होना चाहिए या फिर ब्लैक काले कलर का धागा होना चाहिए। इन दो धागों को आपको लेना है, या तो काला या फिर लाल, ये याद रखना। और यह प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ ना, यह प्रयोग रविवार के दिन करना है। और रविवार के दिन करने के बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आँखों पर यकीन नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, ये जो छोटे छोटे गिलोय के टुकड़े आपने काट लिए ना, इसको इस तरीका से कारे धागे में पिरोना है कि एक माला बन जाए। इन टुकड़ों को बांध बांध करके एक माला की शक्ल देना है। ये इतना चमत्कारी माला है कि आपके पीलिया रोग को पहनने से ही खत्म कर देता है। खाने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें भूख नहीं लगती वह पहनने से ही भूख खुल के लगने लगती है। सभी प्रकार का बुखार पहनने से ही खत्म हो जाता है, वायरल बुखार हो या फिर टाइफाइड बुखार हो, मलेरिया बुखार हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई बुखार है, आपके खून की कमी है, भूख नहीं लगती, लीवर में कमजोरी या फिर लीवर में गर्मी बस गई है या फिर शरीर में पीलिया रोग हो गया है, इन सभी बीमारियों को खत्म करने के लिए यह गिलोय का चमत्कारी माला बनाइए और इसे रविवार के दिन बना करके अपने गले में धारण कर लीजिए। गले में धारण करने की विधि क्या है, पहली बात माला बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे आप टुकड़े लगाते जाएंगे इस माला में, वैसे वैसे ही अपने इष्ट देव का नाम लेते जाएंगे। कोई भी जो भी आपका इष्ट देव है, उस इष्ट देव का आप नाम लेते जाएंगे और नाम स्मरण कर करके आप इस गिलोय की माला को तैयार करेंगे। ऐसा आप 12 या 13 या फिर 21 टुकड़े आप इसमें लगा सकते हैं और यह माला बन करके तैयार हो गई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता क्या है, मेरा मोटिवेशनल अप हो जाता है और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी जानकारी आप तक पहुँच सकेगी और आपका ज्ञानवर्धन हो सकेगा। चलिए दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ इस माला को कैसे धारण करना है, कैसे पहनना है। तो देखिए, इस माला को इस तरीका से आपको पकड़ना और इसे गले में बांध देना। जिस किसी को भी कमजोरी है, खून की कमी है, भूख नहीं लगती, पीलिया रोग हो गया है, लीवर में गर्मी बस गई है, इन सभी समस्याओं में, या फिर जिन्हें बुखार है, मलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड बुखार, तो ज्यों ज्यों आपकी बीमारी खत्म होगी तैसे तैसे माला बढ़ती जाएगी। एक समय यह माला गले में धारण करेगी, लेकिन यह आपकी कमर से भी नीचे चली जाएगी। जब यह कमर से भी नीचे चली जाए और माला बढ़ना बंद हो जाए, तब समझ लेना आप बीमारियों से मुक्त पा गए हैं। फिर इस माला को उतार करके किसी पेड़ पर लटका दीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ और सुखी जीवन जिएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।